Hello guys, you all are watching Seva Learning. You all can also visit us on www.sevalearning.in or .com. So today I will tell the lots of important points for the NEET 2019. So please watch the video till last, and if you are new here, then don't forget to subscribe the channel by clicking on the red buttons. Okay. So let's see the first point. 185 private medical college cutoff score fee structure for MBBS 2019 under NEET. Okay. तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक वीडियो दिख रहा है जो कि मैं ऑलरेडी बहुत पहले बना चुका हूँ। ये वीडियो टोटल 33 मिनट का है, जिसमें आपको भारत के इंडिया के जितने भी स्टेट हैं, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल, ओके, जितने भी स्टेट हैं, राजस्थान है, हर कॉलेज, हर एक स्टेट के जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं, उन हर प्राइवेट कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर विद देयर कट ऑफ मार्क्स एंड विद देयर नंबर ऑफ इनटेक, यानी वो हर साल कितने एमबीबीएस सीट लेते हैं, उनका फीस क्या है, उनकी लास्ट ईयर में कट ऑफ स्कोर क्या थी, वो पूरा डेटा आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ओके, दूसरी बात यह है कि ये डेटा 17 का है, 18 का डेटा मैं बहुत जल्दी आपको अपडेट करूंगा, और 17 और 18 के डेटा में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है, क्योंकि कॉलेजेस जो अपने फीस थे, फीस काफी बढ़ा दिए हैं, तो फीस में थोड़ा सा वेरिएट करेगा, रिमेनिंग ऑल थिंग्स शुड बी सेम। ओके, ये था पॉइंट नंबर वन, आप यहाँ से जाके वीडियो देख सकते हैं। अगर आप लोग कहिएगा तो एक और वीडियो बना दिया जाएगा 19 के लिए, जिसमें पूरे भारत से जितने भी प्राइवेट कॉलेज होंगे या गवर्नमेंट होंगे, हर कॉलेज को सेपरेटली डिफाइन किया गया रहेगा, उनका कट ऑफ मार्क्स क्या था, फीस स्ट्रक्चर क्या था, ओबीसी के लिए कट ऑफ क्या था, एससी के लिए कट ऑफ क्या था, ये सारी डिटेल आपको बता दी जाएगी, ठीक है। और अगर किसी को पीडीएफ चाहिए, कि मतलब अगर वो स्पेशली किसी को पीडीएफ चाहिए, जिसका जिसका हम लोग सेपरेटली रखते हैं, वो आपको वेबसाइट पे नहीं मिलेगा, तो वो भी अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो वो व्हाट्सएप के थ्रू भेज दिया जाएगा, ठीक है। अदर थिंग्स इज दैट देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु हैव डाउट व्हाट इज 15% एंड व्हाट इज 85% एंड हाउ टू डू द ऑल इंडिया काउंसलिंग, स्टेट काउंसलिंग। तो देखिएगा, 15% वो है, दो काउंसलिंग इंडिया में हो रही है लास्ट ईयर से। पहली जो है ऑल इंडिया की काउंसलिंग है, जिसमें 15% स्टूडेंट को इंक्लूड किया जाता है, यानी जो टॉप के 15% होते हैं वो अप्लाई करते हैं, और उनको पूरे भारत में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, ठीक है, जितने भी गवर्नमेंट हैं, जितने भी प्राइवेट हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, वो उनमें अप्लाई करते हैं, स्पेशली फॉर द सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटी, और भारत के जितने भी सरकारी जो कॉलेजेस हैं मेडिकल के, उनमें वो अप्लाई करते हैं, ठीक है, जो टॉप 15% स्टूडेंट होते हैं। अब बात ये आती है कि जो 15% से नीचे होते हैं, क्या वो नहीं अप्लाई कर सकते हैं? ऐसा नहीं है, कोई भी अप्लाई कर सकता है, एनी पर्सन कैन अप्लाई इन द 15% कोटा। लेकिन क्या है, जो वेटेज होती है, जो ऑल इंडिया के थ्रू जो वेटेज होती है, वो केवल 15% होती है। सपोज मान लीजिए एक स्टेट में, सपोज एक स्टेट है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में टोटल अगर 1000 सीट है, ठीक है, और आप राजस्थान से हैं, सपोज यू आर बिलोंग फ्रॉम द राजस्थान, एंड देयर इज अ 15 एंड देयर इज 1000 सीट इन यूपी, ओके, देन देयर इज ओनली 15% सीट, 15% ऑफ 1000 यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, यानी 1000 सीट का जो 15% सीट होगा, ओके, यानी 150 सीट, उसी सीटों पे आप एलिजिबल रहेंगे, और वो भी जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, और जो और जितने भी सरकारी कॉलेजेस हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उनके लिए आप एलिजिबल होंगे। दूसरी बात अब आती है, 85% क्या होता है, 85% वेटेज उन्हीं को मिलता है जो अपने स्टेट के होते हैं। सपोज आप जिस स्टेट का आपका डोमिसाइल है, आप उस स्टेट में जितने भी गवर्नमेंट, प्राइवेट और डीम्ड प्राइवेट हैं या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें आपको 85% का वेटेज दिया जाएगा। यानी एक अगर स्टेट में 1000 सीट है, तो आपको 850 सीट है, अब उसमें चाहे जितने बच्चे रहें, वो 85% वेटेज लेके आपको अपना कंपटीशन देखना है, ठीक है।
इसी को अगर अभी भी डाउट है कि व्हाट इज 15% व्हाट इज 85% देन श्योर यू कैन कॉल आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल आल्सो ओके ओके एंड अदर थिंग्स इज देयर देयर इज सम रिजर्व अनरिजर्व कैटेगरी परसेंटेज ऑफ क्वालिफिकेशन फॉर एटी दीज आर द डेटा फॉर द एटी कि कितने बच्चे कितने से कितने मार्क्स में निकाले या अनरिजर्व फिजिकली हैंडीकैप्ड में क्या था शेड्यूल कास्ट में कितने थे शेड्यूल ट्राइब में कितने बच्चे निकले अदर बैकवर्ड में कितने बच्चे ये टोटली आपका 18 का एग्जैक्ट डेटा है ओके 2018 का ठीक है ये 17 का डेटा है आप देख सकते हैं और ये नीट कट ऑफ 2018 का है 15% जो 119 था इतने सारे कैंडिडेट निकाले थे 40% ये है 40% एससी के लिए 96 मार्क्स 87311 और 2018 में अगर जेंडर के ऊपर देखें तो मेल में ये आपका ये है मेल में नंबर ऑफ कैंडिडेट रजिस्टर इतना है अपीयर्ड इतना है और जो आपके क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं वो इतना है फीमेल में आप देख सकते हैं ट्रांसजेंडर देख सकते हैं टोटल देख सकते हैं ये टोटल जो आपका 18 का डेटा है वो चीज है ठीक है 19 के डेटा के लिए अभी इस साल जो है लास्ट ईयर आपने देखा कि केवल 13.3 लाख अप्रोक्स स्टूडेंट रजिस्टर्ड किए थे और जिसमें कि 7 लाख स्टूडेंट जो थे वो क्वालिफाइड थे इस बार जो है 15.3 लाख स्टूडेंट रजिस्टर्ड किए हैं और देखिए कितने बच्चे क्वालिफाइड करते हैं कितनों में कंपटीशन रहता है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में एक एक्सपेक्टेड डेटा बताई जाएगी ओके बाकी अगर आपको और बहुत सारी डिटेल जाननी है जैसे नीट ऑल इंडिया कोटा जो ऑल इंडिया कोटा है जो 15% के लिए है अगर आप वो इंस्टीट्यूट वाइज देख सकते हैं तो जनरल के लिए मिजोरम में आप देखेंगे तो 10443 मार्क्स पे 10443 रैंक पे 537 मार्क्स पे कॉलेज मिला है ओबीसी का देख सकते हैं एससी का देख सकते हैं एसटी का ओबीसी पीएस आई मीन टू से ये आपको एक इसका जो वेबसाइट का लिंक है ये जो लिंक है जैसे आपका किंग जॉर्ज है 703 पे मिला है ये आपका 725, 506 and 386, 776 ठीक है ये सारा डिटेल आपको पीडीएफ में यानी वेबसाइट के लिंक जो है दे दी जाएगी या आप सिंपली वेबसाइट पे www.sivalearning.in पे विजिट करके आप देख सकते हैं जैसे आप देख सकते हैं मुस्लिम माइनॉरिटी के भी है यानी पोया में किसको कितने नंबर पे मिला जैन माइनॉरिटी का भी है मैनेजमेंट का है एनआरआई का है जैन माइनॉरिटी है यानी टोटली डिटेल है उसके बाद 2019 का नीट अलॉटमेंट नीट काउंसलिंग रिजल्ट है एंड देयर इज ऑल्सो फैक्ट्स इज ऑल्सो देयर ओके यानी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आर ऑल्सो देयर सो देर इज सो मच इम्पोर्टेंट डेटा यू कैन मीन्स मैं आपको वीडियो में कितना एक्सप्लेन कर सकता हूँ कहिएगा तो एक नेक्स्ट अदर वीडियो बना दिया जाएगा नहीं तो आप सिंपली वेबसाइट के लिंक में जाइएगा डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं ठीक है दूसरी बात यह है अगर और कोई डाउट आती है तो आपको एक नंबर भी दिया जाएगा आप उस पर कॉल करके कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं एनी टाइप ऑफ डाउट लाइक इन विच स्टेट यू कैन अप्लाई आप कौन से स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं कौन से स्टेट में कंपटीशन कम है कौन से स्टेट में कितने बच्चे अप्लाई किए हैं ये सब आपको जानना चाहिए क्योंकि काउंसलिंग इज द मेन फैक्टर विच कैन लीड्स यू टू द सक्सेस अगर आप काउंसलिंग करना अच्छे से जानते हैं 2019 हो या 18 हो तो श्योर आपको कोई ना कोई कॉलेज अच्छा कॉलेज आपके मार्क्स के हिसाब से रखा हुआ है बट इफ यू डोंट नो हाउ टू डू द काउंसलिंग विच स्टेट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू वेयर व्हाट आर द चांसेस वेयर यू कैन गेट द कॉलेज एंड देन यू फेस प्रॉब्लम एंड इन द लास्ट यू मे बी फील सैड ओके So right now my laptop cam is not working. If my cam is working, then sure I will come in front of you and I will explain. And the next 2-3 days I am buying one more cam. So after that I will explain with the cam. So don't worry, just keep enjoying and keep laughing and have a nice day.